देखो भाई, एक कमेंट्स आया था कि IVF क्यों लिया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। IVF देखो उन महिलाओं को दिया जाता है जो बार बार गर्भवती होती हैं लेकिन उनका बच्चा नहीं ठहरता, उनका बार बार गर्भपात हो जाता है। और बार बार जब गर्भपात होता है तो उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उनका बच्चा रुकने का कोई चांस नहीं रहता, हर तरीके से उनको जवाब मिल जाता है कि बच्चा नहीं हो पाएगा, आपको नहीं ठहर पाएगा। तो भाई कोई भी लेडीज़ होगी मतलब प्रॉब्लम में आ जाती है। तो अगर देखो इसके पीछे का एक रीज़न ये होता है कि जो उनका पार्टनर है उनका भी सीमन काफ़ी ज़्यादा पतला है या काफ़ी ज़्यादा मोटा है या उनको कोई बीमारी कोई परेशानी है जिसके वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है, दोनों में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भी तहीं जाके ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो पहले इसीलिए बच्चे प्लान करने से पहले आप दोनों कपल्स अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मतलब चेकअप जरूर करवाना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर मन में शंका हो डाउट हो तो चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो ऐसे समस्या में ही डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप IVF करवा लो, एक लास्ट चांस वहीं बचता है। जो लोग बार बार मतलब कि कोशिश करते हैं कि हमारा भी गर्भ ठहर जाए, जिनका नहीं ठहरता है, पूरी कोशिश करने के बाद लास्ट ऑप्शन उनके लिए यही बचता है कि वो IVF करवा लेते हैं। लेकिन उसके पहले यही हम कहेंगे कि आप लोग पूरी तरीके से कोशिश करते रहो, पीरियड्स के 5वें दिन से लगातार कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो रुकेगा ही रुकेगा।